साहिबगंज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से लोग मुस्तैद हैं। इसे लेकर उपायुक्त ने वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चिकित्सक प्रभारी और अंचल प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने 24 दाल भात केंद्र पर प्रशासन 2 महीने तक भोजन उपलब्ध कराएगा। सबसे प्रमुख है अभी कि हर व्यक्ति को खाना मिल सके, कि कोई भी खाना से वंचित नहीं रहे। उसके लिए सरकार के द्वारा अप्रैल और मई महीने 2 महीने का राशन बांटा जा रहा है, जिसमें करीब हम लोगों ने 25% लोगों को बांट भी दिया है और आगे उनको हम लोग टारगेट रखे हैं कि 10 तारीख तक 100% हम लोग अचीव कर लें। जिन लोग का राशन कार्ड में नाम नहीं है और सुयोग्य लाभुक हैं, वैसे लोगों को 10 किलो चावल दिया जाएगा जो सरकार उपलब्ध कराएगी। मुखिया को भी हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया आकस्मिकता मद में दिया था। तो अगर किसी को भी कहीं पे इस तरह का कोई व्यक्ति मिल रहा है जो इनके पास खाने को सामान नहीं है, तो उनको सरकार की तरफ से इन माध्यमों से राशन उपलब्ध कराया जाए।